फेस वॉश के बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है स्किन केयर रूटीन का वो सनस्क्रीन है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं भाई मेरी स्किन डल हो रही है, डार्क हो रही है, मेरी स्किन पे एक्ने आ रहे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप अपने स्किन को सन में एक्सपोज करोगे तो आपको बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स होगी। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलते कि भाई मैं सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज कर रहा हूँ या किसी भी क्रीम या जेल का नाम लेके और बोले कि इन्हें यूज करने से मेरी स्किन और भी ज्यादा खराब हो रही है, मेरी स्किन डल हो रही है, डार्क हो रही है, मेरी स्किन पे दाने आ रहे। देखो ऐसा इसीलिए होता है, जब भी हम लोग कोई ट्रीटमेंट करवाते ना अपने किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए तो हमारी स्किन जो है सेंसिटिव बन जाती है। फिर हमें हमारे स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना स्किन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और यूवी रेस जो होती है सिर्फ सन में नहीं होती, हमारे घर पर जो बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, फोन की लाइट, टीवी की लाइट, इनमें भी यूवी रेस होती है। इसीलिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, मतलब कोई भी जेल क्रीम फेस वॉश यूज कर रहे हो किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए, तो सनस्क्रीन लगाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मार्केट में मिलने वाली 90% से ज्यादा सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन नाम का एक केमिकल होता है। इस केमिकल के बहुत सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स है, लेकिन लंबे टाइम तक ऑक्सीबेंजोन वाले प्रोडक्ट को यूज करने से बॉयज में हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, गर्ल्स को मिसकैरेज हो सकता है इन फ्यूचर, ये इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स है। या फिर आप कोई गलत सनस्क्रीन यूज करने लग जाओगे जो आपके स्किन टाइप वालों के लिए नहीं बनाई गई है तो भी आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सही सनस्क्रीन यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सनस्क्रीन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सबसे पहले तो वो 100% नेचुरल होगी और स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बनाई गई है। तो अगर आप जानना चाहते हो मैं कौन से सनस्क्रीन की बात कर रहा हूं जिसे मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूं, तो बने रहिए वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिस सनस्क्रीन की मैं बात कर रहा था वो है अरोमा मैजिक एलोवेरा सनस्क्रीन जेल। इस सनस्क्रीन पे क्लियरली मेंशन है ऑक्सीबेंजोन, पैराबेन, हार्श केमिकल, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जैसे चीप और टॉक्सिक केमिकल का इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। इस सनस्क्रीन के जो इंग्रेडिएंट्स है 100% नेचुरल है, विटामिन B5, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक ऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट का इसमें यूज हुआ है, जो एक सनस्क्रीन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आगे की तरफ मेंशन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब आपको समझाता हूं, तो जो सनस्क्रीन लैब टेस्टेड होती है ना, जो हमारे स्किन को सन की अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी रेस से प्रोटेक्ट करती है और जिनमें कैंसर होने का रिस्क नहीं होता और जिन्हें खुद डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते, उन सनस्क्रीन पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम का लेबल होता है। और इस सनस्क्रीन में जो SPF है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो 20 है। SPF कम होने का मतलब ये नहीं कि सनस्क्रीन आपके स्किन को सन से कम प्रोटेक्शन देगी, नहीं, SPF टाइमिंग से रिलेट करता है। क्योंकि इसमें SPF 20 है तो ये सनस्क्रीन आपको सन से 1.5 घंटे तक प्रोटेक्शन दे देगी। हर 1.5 घंटे बाद आपको इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फिर से लगाना पड़ेगा। अगर आप सनस्क्रीन लगा के आउटडोर पे कोई भी गेम प्ले कर रहे हो, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, जिससे आपको बहुत पसीना आ रहा है, या फिर सनस्क्रीन लगा के आप स्विमिंग करते हो, तो हर 1/2 घंटे में आपको इसे रीअप्लाई करते रहना पड़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था इस सनस्क्रीन के साथ वो शेयर करता हूँ। तो पहले तो मुझे इस पर बहुत डाउट है क्योंकि इसका जो फोम है वो एक ट्रांसपेरेंट जेल है, तो मुझे ऐसे लगा इसे अप्लाई करने के बाद ये स्किन को बहुत चिपचिपा सा, शाइनी सा बना देगी। लेकिन मैंने इसके ऑनलाइन रेटिंग्स देखे, रिव्यूज पढ़े, मुझे काफी पॉजिटिव लगे थे, उस बेसिस पे मैंने इसे खरीदा था। इसे यूज करने के लिए जब मैंने इसका कैप ओपन किया था, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत माइल्ड है, बहुत ही लाइट रोज वाटर की एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट है, सेंसिटिव स्किन वालों को एलर्जी होती है और ये सनस्क्रीन जो स्किन पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। बहुत जल्दी तो नहीं होती, 10-15 सेकंड में, थोड़ा टाइम लेती है 1 मिनट तक, लेकिन हाँ अच्छे से स्किन पे फिट हो जाती है। स्किन को ग्रीसी, चिपचिपा, शाइनी, ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनाती, उल्टा आपके ऑयल को कंट्रोल करके रखेगी। मैंने खुद इसे 5-5 घंटे तक अपने फेस पे लगा के रखा है। ये स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाती है, स्किन पे मैट फिनिश देती है। और इस सनस्क्रीन की जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है वो ये है कि ये डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन पे भी इफेक्टिव है। जी हाँ, मैं पर्सनली ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज करता हूँ जिससे मेरे चिक्स के जो कॉर्नर है इन पे कभी कभार रेडनेस आ जाती है। एक्ने मुझे होते नहीं, बहुत ओकेशनली होते हैं, महीने में 1-2 बार एक्ने मेरे जल्दी चले जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पॉट्स है वो लंबे टाइम तक रह जाते हैं। इस सनस्क्रीन को जब मैं स्टार्टिंग में यूज कर रहा था, सिर्फ 1 हफ्ते में मेरी जो रेडनेस थी वो गायब हो गई थी, स्पॉट्स भी मेरे बहुत लाइट हो गए थे। ये स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो भी देती है। अगर मुझे सनस्क्रीन को रेटिंग देनी हो तो मैं इसे 4 out of 5 दूंगा। वैसे तो ये 5 out of 5 डिजर्व करती है, लेकिन क्योंकि इसमें SPF थोड़ा कम है तो इसकी एक रेटिंग हमें कट करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल सनस्क्रीन बेस्ट है ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। यूजेज के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे फिंगर है ना, इसकी जो आगे की 2 लाइन है, ये आपको अच्छे से भर देनी है। इतने अमाउंट में आपको सिर्फ अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। अगर आप अपने और भी बॉडी पार्ट्स को सन से प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो सनस्क्रीन का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको यूज करना पड़ेगा। 20-30 सेकंड तक आपको इसे अच्छे से अपने स्किन पे रब करना है और सनस्क्रीन अप्लाई करने के 20 मिनट बाद ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है और हर 1.5 घंटे में आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप आउटडोर पे कोई गेम प्ले कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो तो हर 1/2 घंटे में आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते रहना पड़ेगा। अगर आप इस सनस्क्रीन को एज अ मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हो या फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो अपने किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए और आपको अपने स्किन को सिर्फ यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना है घर के अंदर ही, तो ये जो फिंगर है ना, इसकी जो आगे वाली लाइन है, ये आपको अच्छे से भर देनी है। इतने अमाउंट में आपको सनस्क्रीन लगानी है। आप दिन में 2-3 टाइम भी सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हो। वैसे तो इस सनस्क्रीन की जो 100 ml की ट्यूब है इसकी प्राइस है 310 rupees, जो कि ऑलरेडी अफोर्डेबल है। लेकिन एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से अगर आप इसे परचेस करते हो तो ये आपको और भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही प्रोडक्ट के रिव्यूज करूँ जो स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बनाए जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? जल्दी से इस वीडियो पे 300 लाइक कंप्लीट करने। आप तो एक ही लाइक कर सकते हो, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से
से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे उतने लोग लाइक करेंगे। जल्दी से 300 लाइक कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई समझो। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मुझसे कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट करना, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूं। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, टाटा।